राजधानी कौशाम्बी में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांवड़ यात्रा पर चल रही बयानबाजी को विपक्ष की तुष्टिकरण की घटिया राजनीति बताया है। आपको बता दें कि उनके मुताबिक इस तरह की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। वही डिप्टी सीएम मझनपुर के टिकरी स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेने शनिवार को पहुंचे थे। वही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की। उन्होंने बरगद, पीपल और पाकड़ के एक साथ 3 पौधे का रोपण भी किया। उन्होंने कहा कि जनपद में 27 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पूरे प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। अरे बढ़िया, कांवड़ यात्रा निकले, आप भी कांवड़ लेके जाइए, भगवान भोले बाबा को जल चढ़ाइए, मतलब लोक और परलोक सब सुधर जाएगा। विपक्ष वो कह रहा है कि नाम लिखना गलत है, सही है। विपक्ष भी जाके कांवर लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए, जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी और उनको लगेगा कि कांवर जब उठा करके कोई कांवरिया जाता है तो ये सावन का पवित्र महीना है और सौभाग्य की बात है कि सावन के पवित्र महीने के पहले दिन सोमवार पड़ रहा है। सोमवार का बड़ा महत्व है और हजार दो हजार की संख्या में नहीं, लाख दो लाख की संख्या में नहीं, कई करोड़ कांवर या कांवर लेकर के बाबा को चढ़ाने के अलग अलग जो मंदिर है, जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, वहां पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवर यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं।